हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे पता है कि ठीक होगे। मैं इस हालत में इसलिए नज़र आ रही हूँ क्योंकि मैं इन द मिडल ऑफ द मेकअप, मुझे याद आया कि मैं ब्लॉग बना लेती हूँ, मैंने काफ़ी अर्से से नहीं बनाया। तो सीन ये है कि मैं बाहर जा रही हूँ बैंक का काम करने, क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट नहीं चल रहा, उससे कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। पेमेंट जो है वो डिक्लाइंड आ रही है बार बार, पता नहीं क्यों। मैंने एक हफ़्ता पहले भी अकाउंट खुलवाया है, तो अभी वहाँ जाते हैं। उससे पहले मैं मेकअप कर रही हूँ, ये मेरा पीछे थोड़ा गंद है उसे इग्नोर करें, मैं मेकअप कर रही हूँ अभी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया मैं ऐसे ही मुँह उठा के बाहर चली जाती थी तो फिर मुझे ऐसे ऐसे लुक्स मिलती थी, ऐसे होमलेस वाले लोग समझ लोगे मैं होमलेस हूँ। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, होमलेस लुक आते मतलब मैं ऐसे बिल्कुल होमलेस बन के बाहर चली जाती हूँ तो लोग क्या समझते होंगे कि यार ये, क्योंकि यहाँ तो यूरोप में तो सारे बिल्कुल किशकम टाट रहते हैं, तो मैं हूँ जो बिल्कुल ही जैसा मुँह था वैसे उठा के निकल के बाहर चली जाती थी। तो मैं तैयार हो रही हूँ, तो मेरे साथ आप तैयार हुई मतलब मुझे देख लिया क्या, तो है आपने तो देखना है। ओ क्यू एन ए करूँ, साथ साथ क्यू एन ए कर सकती हूँ मैं। तो हमें एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज़ माय फील्ड, मेरी कौन सी फील्ड है। और बेसिकली एक और क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है कि आप आजकल कहाँ हैं और क्या कर रही हैं। यार मेरी लाइफ में ना फिलहाल कुछ ऐसा है नहीं कि जो मैं बताऊँ आप लोगों को, और जो सारी दुनिया बताती है ना ब्लॉग बनाती है कि यार मेरी लाइफ में ये चल रहा है, ये हो रहा है, अब हम ये करने लगे हैं। मेरी बहुत फजूल चल रही है इस टाइम, लेकिन लिटरली बहुत फजूल चल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा उसमें, डाउनफॉल आ रहे हैं। तो मैंने ना मेरे हाथ से इसमें सबसे बड़ा हाथ सोशल मीडिया का है कि मेरी लाइफ इतनी अच्छी थी नहीं जितनी शायद मैंने सोशल मीडिया पर दिखा दी है। तो फिर ऑब्वियसली मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि तुमने बहुत ज़्यादा वो कर दिया, मतलब हर वक्त खुश खुश रहती थी मैं सोशल मीडिया पे, तो आपको खुश रहना पड़ता है, आपकी फेक पर्सनालिटी होती है, फेक तो नहीं, आपको दुनिया के लिए थोड़ा सा खुश रहना पड़ता है। तो मैं बड़ा खुश खुश जी और अब घूम रही हूँ और सब कुछ पोस्ट कर रही थी, तो मेरा एक काम था जो यहाँ पे होना था और वो ठप हो गया काला जादू लग गया मुझे, वो मेरा काम जो है वो रुक गया। पता नहीं किसने नज़र लगाई है मुझे, अल्लाह पूछे तुम लोगों को जो भी मुझे नज़र लगाता, क्योंकि मेरी किस्मत ऐसे में जो काम शुरू करती हूँ रुक जाता है। अच्छा मैंने पहले निविया की ये लगाई है, उसके बाद ये मैंने लिया था डॉलर स्टोर से, लिटरली ये डॉलर स्टोर से मैंने लिया है, और ये मेरे फेस पे एक यही चीज़ है जो सूट करती है, वरना मुझे एक्ने आ जाती है। अब हम लगाएंगे ब्लश, मेरी बहुत ही तीन चार स्टेप्स की मेरी मेकअप वाली रूटीन है, तो उसके बाद हम ये यूज़ करेंगे, ये मैंने डॉलर स्टोर से लिया। मुझे मेकअप करने का इतना शौक ही नहीं है ना, इसलिए मैं इतने मेकअप के प्रोडक्ट्स ही नहीं लेती, जो चीज़ मुझे ऐसी मतलब नज़र आ जाए ना मैं उठा लेती हूँ। ज़्यादा लगा लिया ना, नहीं तो फिलहाल जो पढ़ाई का सीन है वो मेरा भी रुका है, माय पढ़ाई इज डिसकंटिन्यूड फॉर नाउ। लाइफ में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आते हैं और मैं डाउन ही हूँ, अब मुझे अपग्रेड होना चाहिए क्योंकि मेरे डाउनफॉल बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। यूक्रेन में थी, अच्छा भला पढ़ाई करी थी, फिर वहाँ पे जंग हो गई और फिर उसके बाद मुझे वापस पाकिस्तान जाना पड़ा। तो जी ये है कि मेरी लाइफ में भी कुछ भी नहीं चल रहा, अगर कुछ होता है लाइफ में तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी, फिलहाल तो लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा। इसी को हम एज अ लिपस्टिक यूज़ कर लेंगे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अच्छा मुझे किसी ने पूछा हुआ है कि वाई योर वॉइस एक्सीड्स 50 डेसिबल, इतनी ऊंची आवाज़ क्यों है। तो मेरी ऊंची आवाज़ वैसे हर बंदे के सामने नहीं निकलती, जिसके साथ मैं ज़्यादा क्लोज या फ्रेंडली होती हूँ ना, जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं उनके सामने मेरी ऐसे ऊंची ऊंची आवाज़ निकल रही होती है, तो मैं बहुत ऊंची आवाज़ में बात करती हूँ, मजाक करती हूँ, हंसती भी बहुत ऊंची आवाज़ में हूँ। तो मे बी बिकॉज मैं पंजाबी हूँ, पंजाबियों का यही सीन होता है कि वो इसी तरह बहुत ज़्यादा हंसते हैं, ज़ोर का हंसते हैं, तो शायद यही वजह है, आई डोंट नो। मैंने लिपस्टिक लगाई, लिपस्टिक क्या ये ब्लश ऑन कोई मैंने ऐसा लिपस्टिक लगा दी, तो मैं उसके ऊपर ये क्या कहते हैं इसको, ये लगाएंगे हम इसके ऊपर, अब आई डोंट नो मुझे नाम भूल गया इसका आप लोग देख लोगे मैं एक कैसी लड़की हूँ। ये मैंने लगा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या मैंने रिश्ता खुद मंगाया था या प्री प्लान था। नहीं ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन हो गया है, इसको हम साइड पे कर देते हैं, मजाक कर रही हूँ। नहीं मेरा जो है वो अरेंज मैरिज हुई है। अच्छा अब लास्ट स्टेप रह गया, वो है मस्कारा लगाना। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझसे पूछा है किसी ने कि व्हाट इज़ योर फेवरेट आउटफिट। तो यार टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे देसी बहुत पसंद है, लाइक देसी कपड़े, पाकिस्तानी
वेस्टर्न भी मुझे पसंद है, मतलब एक टाइम था मुझे बहुत ज़्यादा मेरा दिल करता था वेस्टर्न पहनने का, तो क्या कहते हैं, मैं इतना वेस्टर्न पहनती नहीं हूँ, सिर्फ यहाँ यूरोप में, बाहर में अब्रॉड हूँ तो मैं पहन लेती हूँ, पाकिस्तान में मैं वापस जाके सिर्फ शलवार कमीज़ पहनती हूँ या ट्राउज़र, अपनी शर्ट और ट्राउज़र पहन लेती हूँ, वेस्टर्न में पाकिस्तान में नहीं पहनती, तो मुझे क्योंकि देसी में बहुत अच्छा लगता है, खुला खुला फील होता है, आपको तंग नहीं होते हो, और फिर यहाँ पे ना पहन पहन के वेस्टर्न बंदा तंग आ जाता है यार, तो मैं फिर मुझे अब मैं प्रेफर करती हूँ देसी। मस्कारा मैं जो है वो रेगुलरली बिल्कुल भी नहीं लगाती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी आईलैशेस ख़राब हो जाएंगी, मेरी वैसे ही माशाल्लाह आईलैशेस जो है ना बड़ी हैं, तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती लगाने की मस्कारा या उनको बड़ा करने की। मुझे ईमेल्स इतनी आती है, मुझे एक और ईमेल आ गई है, वो भी मेरा पार्सल है, मेरे पार्सल वालों का ईमेल आया था, वो कह रहे हैं कि आपका पार्सल जो है वो DHL को भेज दिया गया है, वहाँ से आपकी तरफ आ जाएगा। H&M पे सेल लगी हुई थी तो मैंने फटाफट जो है एक चीज़ मंगा ली, क्योंकि मेरे पास जैकेट नहीं है, छोटी पफर जैकेट होती है ना, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास लंबी वाली है, मतलब बहुत लंबी वाली है, पाँव तक आती है, तो मैंने कहा एक क्योंकि यहाँ पे यूरोप में हर वक्त ठंड रहती है तो अब बस एक छोटी वाली जैकेट होनी चाहिए, मेरे पास नहीं थी, तो फिर अभी सेल लगी हुई थी तो मुझे लिटरली 9 यूरोस की वो मिली है, वो आएगी तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। अभी हम जाते हैं और देखते हैं मैं कौन से कपड़े पहन के बाहर जाऊँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बाहर ठंड हो रही है, हालांकि इस टाइम ये जुलाई चल रहा है, आज 17 जुलाई है शायद, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर का मौसम। ये है जी बाहर का मौसम, और बाहर बादल आए हुए हैं और मेरे ख्याल से बारिश हो जाएगी, तो मुझे मेरे यहाँ से छतरी लेके जानी चाहिए जो कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ, और अभी हम जाते हैं और देखते हैं कि मैं कौन से कपड़े पहनूँ। अच्छा मेरे पास 2 शूज़ हैं, एक ये वाले हैं और एक ये वाले, ये मैंने दोनों जो हैं मुझे PR में आए थे, मैं आप लोगों को इधर मेंशन कर दूंगी कि कौन से पेज से आए थे, और ये वाले जो है ना ये बहुत सॉफ्ट हैं और मैं मोस्टली यही पहनती हूँ, उनको मैंने रगड़ दिया इनकी, आप सिचुएशन देख सकते हैं क्या है, कंडीशन क्या हुई है, ये मैं कम पहनती हूँ क्योंकि ये मुझे थोड़ा तंग करते हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल से क्योंकि इनको मैंने बहुत पहन लिया तो मेरे ख्याल से अब इनको पहन लेना चाहिए। हाँ जी गाइस, अब मैं हो चुकी हूँ रेडी, मैंने पहन लिया अपनी बैग में डालूं क्योंकि ये मैं सबसे पहले भूलूंगी। मैंने जाना है और जल्दी वापस आना है क्योंकि मेरी अम्मा ने मुझे कहा है कि आज 9 मुहर्रम है तो तुम कुछ मीठा बना लेना, तो मैं सोच रही थी कि मैं खीर बना लूँगी क्योंकि मैंने खीर की नई रेसिपी देखी है, वो बहुत आसान है, तो मैं वो बनाऊँगी। अभी मैं जाती हूँ, बाय बाय, बाय बाय नहीं मतलब मैं जाती हूँ, नीचे जाके बस पकड़ती हूँ, बस पकड़ के फिर आगे से जब पहुँचूँगी तो फिर मैं बताऊँगी आपको। अभी मैं निकली भी नहीं और बाहर बारिश शुरू हो गई, ये देखें आपको छोटी छोटी बूंदें नज़र आ रही होंगी ये खिड़की पे, ये बारिश हो रही है अब बाहर, अभी रुकेगी तो मैं तब निकल के जाऊंगी। गाइस मेरे साथ इतनी बुरी हुई है, मुझे पता लगा है कि जिस बैंक में मैंने जाना है वो बंद है, 4 बजे उसने बंद होना था और मैं 4:15 हो यहाँ से निकलने का सोच रही थी, शुक्र है मैंने गूगल मैप्स पर उसकी टाइमिंग देख लिया। ओह अब हम ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाएंगे।